सुबह सुबह है, कालाम बाजार का मंजर अगर आप देखें तो तमाम दुकानें अभी तक बंद है, क्योंकि आप सीजन है बर्फबारी के लिए भी कम ही लोग आए हैं देखने के लिए। वजह यह है कि वीकेंड नहीं है, वीकेंड पर ज़्यादा रश होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं कालाम में मौजूद हूँ और कालाम में शाही ग्राउंड में मौजूद हूँ। और अगर आप मेरे आसपास देखें तो दियार के दरख्तों ने सफ़ेद चादर उड़ ली है, हर तरफ सफ़ेदी छा गई है और ये हल्की बर्फबारी हुई है और ये तकरीबन चौथा स्पेल है। मैं आपको दिखा सकता हूँ ग्राउंड का मंज़र अगर आप देखें तो क्या नज़ारा है। काफ़ी तादाद में सयाह भी आए हुए हैं और वो यहाँ की खूबसूरत नज़ारों और बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। बर्फ़बारी कभी तेज़ हो जाती है तो कभी कम, लेकिन बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। महके मौसमियात ने भी यही इतलाआत दी है कि आइंदा 24 घंटे स्वात के शहरी इलाकों में हल्की बारिश, जबकि पहाड़ों पर और बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। मैं यहाँ पर ये वाजे कर दूँ कि महोडन झील में तकरीबन 6 इंच और शाहबाग में कोई 6-7 इंच तक बर्फ़बारी पड़ चुकी है और मज़ीद बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। तो अगर आपने भी यहाँ पर आना है तो सर्दी से बचाव के लिए आपके पास गर्म कपड़े, गर्म जूते ये होनी चाहिए ताकि आप सर्दी से महफूज रहे। मेरे साथ रहे, मैंने कुछ सयाहों से भी बात करनी है ताकि अगर उनसे बात हो जाए वो किस तरह फील करते हैं, वो क्या कहते हैं। सयाह आए हुए हैं, बर्फ़बारी से वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अगर आप देखें तो फोटोग्राफी हो रही है और चूँकि ये मौसम सरमा के तीसरी स्पेल है, लेकिन ये स्पेल अभी तक मतलब उस तरह नहीं है जिस तरह मतलब होना चाहिए। हैवी स्नोफॉल अभी तक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आप कहाँ से आए और कैसा लगा आपको ये मौसम? सर बहुत ज़बरदस्त, हम आए हैदराबाद से। अच्छा। और हमने शहरों में तो देखा तो गूगल ने बताया कि यहाँ पर बर्फ़बारी का मौसम होगा, तो इस वजह से हम आए और इतफाक़ से आपसे मुलाकात होगी। हम आपके बड़े बड़े फ़ैन हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सयाहों को कि वो आए या ना आए? सर बिल्कुल आए, ये तो घूमने की जगह, कालाम से तो खूबसूरत जगह कोई भी नहीं। हमारा पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों से भी बात करना चाहूँगा, आप लोग कहाँ से आए और कैसा लगा आपको? माशाल्लाह जी, मेहरान अली, मैं मुल्तान से आया हूँ। अच्छा। और कालाम के अंदर स्नोफॉल आज स्टार्ट हुई है और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। अच्छा। मैं बाकी टूरिस्ट को भी कहूँगा कि वो लाजमी आए यहाँ पे, कालाम वैली को एक्सप्लोर करें और बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, एंटरटेनमेंट। आपको तो सर्दी लग रही, नाम क्या है? बहुत ज़्यादा, मेरा नाम शर्जील है। वालेकुम। शर्जील क्या कहेंगे, मतलब मज़ा आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, हम तो जो इलाके हैं फैसलाबाद वाली साइड से हैं, वहाँ पर इतनी ठंड नहीं होती और आज बर्फबारी लाइफ में पहली बार देखी है, जबरदस्त है। अच्छा है। हाँ जी, आना चाहिए लोगों को यहाँ पे, अच्छी जगह। एक बच्ची है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? फिजा अहमद। अच्छा, तो आप बताएं, आपको पता था कि बर्फबारी होगी कि नहीं? जी, हम लास्ट 10 डेज से वेदर फोरकास्ट पे चेक कर रहे थे। अच्छा। तो उस पे 14 डेट आया, तो मैं बाबा को बोल रही चलते हैं, तो फिर बस आ गए। तो आपके बाबा आपको लेके आए? हाँ, बाबा लेके। तो बताएं सयाहों को कि वो यहाँ पर आए ना आए, सर्दी है नहीं है, क्या कहेंगे? जी, बहुत जबरदस्त यहाँ पर पिक्चर्स की अच्छी अच्छी जगह है, तो मेरे ख्याल से मरी से ज्यादा यहाँ आना चाहिए। अच्छा, मरी भी खैर हमारा इलाका है, वो भी खूबसूरत है। वो भी खूबसूरत है, लेकिन ये पूरा पाकिस्तान खूबसूरत है। अच्छा बेटा, क्या कहेंगे, मतलब सर्दी लगी आपको नहीं लगी, आपने रास्ते कैसे हैं इस हवाले से भी बताएं? रास्ते तो अभी बहुत ज्यादा अच्छे हैं कालाम के, ठीक है, और सर्दी तो है, बहुत है, बहुत है। तो लेकिन बर्दाश्त किया जा सकता है क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है, तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। बेटा आपका नाम और आप कहाँ से आए? जी, मेरा नाम मुस्कान अहमद है और हम कराची हैदराबाद से हैं। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? सर्दी तो नहीं लग रही है? नहीं, बस सर्दी तो थोड़ी बहुत है, ये तो एंजॉयमेंट के लिए।
आप ये ज़रूर देखें कि इस बच्ची ने कितनी अपने आप को सर्दी से बचाया है। तो अगर आपने भी आना है तो सर्दी से बचाव के लिए आपके पास गर्म जैकेट और गर्म कपड़े, गर्म जूते, इसने बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में अपने आप को सर्दी से महफूज किया है, तो ये इंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह आते हैं मेरी तरह तो नहीं, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन फिर आप सर्दी से बचने के लिए गाड़ी में बैठेंगे, कमरे में जाएंगे, हीटर में जाएंगे, तो ये तो इब्तिदा है, आगे होता है क्या क्या, क्योंकि अभी बर्फबारी का सिलसिला जो है ना वो शुरू है और मज़ीद बर्फबारी। क्या पैगाम देना चाहेंगे बेटा सयाहों को, क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो है ना हमारा पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है ना, आप इधर उधर भी देखें, आप ऊपर आएँ, यहाँ पे इंजॉय करें, बहुत प्यारी प्यारी जगह है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जन्नत है, जन्नत का टुकड़ा है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा ये जंगल का जो मंजर है ये आपको दिखाऊं, अगर आप देखें तो क्या नज़ारा है। रिसेंटली इस पर बर्फबारी हुई है और मज़ीद बर्फबारी का पेशन गोई जो है ना वो किया है महकमे मौसमियात ने और गूगल बाबा ने भी, तो देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अगर आपने आना है तो कलाम तक, यहाँ तक मतलब आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं, रास्ते बेहतरीन है और इस कदर बर्फबारी भी नहीं हुई कि रास्ते बंद हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि आपको आना चाहिए, आपको इंजॉय करना चाहिए। मेरे साथ रहे। कहाँ से आप लोग आए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुजीब रहमान है, हमारा ताल्लुक बहरीन से है। बहरीन से, अच्छा ये बताएं आप यहाँ क्यों आए? हम स्नोफॉल की देखने के लिए आए हैं। अच्छा, स्नोफॉल देखने के लिए। तो कैसा लगा आपको और क्या सिलसिला है? सर्दी लग रही है मेरे ख्याल में, ओन का सादर जो है ना चादर छुड़ी उन्होंने, मतलब ब्लाउज वगैरह जैकेट वगैरह सब कुछ है, सर्दी से अपने आप को बचाया हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, एक कोट भी पहना है और यहाँ पे मैंने शेडी भी ली हुई है। अच्छा। और स्नोफॉल देख के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी जी, तो दोस्तों के साथ आए? जी बिल्कुल, हम दोस्तों के साथ आए। अच्छा। और आपको ये मंजर आपको मैं दिखाऊँ, दरख्तों ने सफेद चादर उड़ ली है हर तरफ, अभी थोड़ी देर पहले आसमान से गिरते बर्फ़ के सफेद गालों ने हर चीज़ को सफेद कर दिया है। मेरा ख्याल है कि आप लोग जब भी आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आए। यहाँ पर हमारे जवान अगर आप देखें तो वो फोटोग्राफी में मसरूफ़ है और ये जो टाइमिंग है इस वक्त चांद अगर आप देखें तो आंख मचूली का बादलों और चांद की आंख मचूली का सिलसिला जारी है। बहरहाल मेरे साथ रहे, कलाम में बर्फबारी जो है ना वो सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने यही इत्तला दी है कि कल भी बर्फबारी होगी, आज भी होगी, तो आज तो थोड़ी बहुत हो गई है और कल भी इम्कान है। तो मेरे साथ रहे। होटलों में ऐसे होटल्स है कि उसमें सेंट्रल हीट है और पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो थोड़ा सा ये चांद देखे आप और ये दरख्त देखे, दियार के दरख्त है, जंगल है, ये शाही ग्राउंड है और शाही ग्राउंड में जो है ना बर्फ़ तकरीबन कोई दो दो इंच, तीन तीन इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है और मज़ीद बर्फ़बारी का सिलसिला जो है ना वो जारी है। तो मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Thank you.